हैं तो मैं शहर इलाका को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज जो है उनका जो एलिमेंट्री स्कूल है वो हाई स्कूल हो गया। तो आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं कहूँगा कि जैसे सीओ साहब भी हमारे फरमा रहे थे कि इस दूर अफ्तादा इलाके में इतना बेहतरीन और इतना मुनज़्जम और इतना खूबसूरत बच्चों का प्रेजेंटेशन जो है, ये मैं समझता हूँ कि इस इलाके के जो टीचर्स हैं ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है और उन्होंने अपने बच्चों के साथ मेहनत की और उसका सबूत जो है वो हल्की सी झलक जो है आज के हमने प्रोग्राम में देखी। कल्चरल डे को भी उन्होंने हाईलाइट किया, पाकिस्तान की मुश्किल से हमने हासिल किया और जो उन्होंने टेबलो पेश की उसको भी उन्होंने हाईलाइट किया। और मैं समझता हूँ कि ये मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंट जिसको मोड़ा बख्ता किया जो स्टाफ है वो मुबारकबाद का मुस्तहिक। आज हम मौजूद हैं गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल मोड़ा बख्ता में, तो यहाँ पर जो मैं बख्ता को हवाले से बहुत अच्छी तरीके का इनकार किया गया है, इसी वाले से हमारे साथ मौजूद है स्कूल की सीनियर टीचर रुबीना शेख। उनसे पूछेंगे कि आज का प्रोग्राम उन्होंने किस तरह तरतीब दिया, चार से वक्त में उन्होंने स्कूल को इतना खूबसूरत तरीके से किस तरह सजाया और इतने बड़ी तादाद में तमाम प्रोग्राम को कैसे रन किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सारी टीम और जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने सब मेहनत के काम किया और सब कॉपरेशन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हुए कि ये दिन हम मैनेज कर सके हैं। डिफिकल्टीज तो थी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उसको काबिल मतलब जिस तरह हम इसी प्रोग्राम में मौजूद थे कि आपके स्कूल को आई का दर्जा भी दे दिया गया, रोड का ऐलान भी कर दिया गया है, तो रोड का निशान भी अभी बाकी नहीं थोड़ा पुलिस वाले साहब क्या कहेंगे। काफ़ी अच्छे से वैसे हमारी तो दिल ना ख्वाहिश थी कि ये एक तो स्कूल अपग्रेड हो जाए जिसके लिए मतलब सारी जो क्राइटेरिया था उस पर हमारा स्कूल उतर रखा, जैसे स्टैंड होती है, एरिया होता है, बिल्डिंग होती है, मतलब सारा क्राइटेरिया भी उतर। आपको इस बात की तो थी कि स्कूल का ध्यान करेंगे? सुनने में तो आ रहा था कि फाइल सबमिट हो गई है ये वो, लेकिन मैं कोई भी कन्फर्म नहीं बता रहा था। तो आज ये सब ऐलान ही हमारी हमारा कर दिया है कि आपका स्कूल जो है अपग्रेड हो रहे हैं। ये पहले इलाका के लिए बहुत ही मतलब इनके लिए अच्छी बात है कि बच्चियाँ दूर जाने के बजाय यहाँ से मुकम्मल यहाँ से इंडियन वाली बहुत खुशी की बात है। मौजूद हैं गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल मोड़ा बख्ता की सीनियर टीचर रुबीना शहीद और इन्होंने अपने स्कूल के साथी टीचर के हवाले से एक नज़र तैयार कर ली है, वो आपकी नज़र बनती है। जैसा कि ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि हमें मतलब सीओ साहब की तरफ से अप्रिसिएशन लेटर दिए गए और बहुत खुश हुए वो, तो इस मौके पर मैं अपने उन उसाज़ा इकराम को ज़रूर याद रखूँगी जो कि यहाँ पर अपने तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दे के अलविदा कर चुके हैं। असल में मैंने कुछ लफ्ज़ों का थोड़ा जोड़ तोड़ किया है अपने उन साथियों साथ के लिए जो यहाँ से रिटायर हो चुके हैं या मतलब जा चुके हैं, तो चंद अल्फाज हैं। मैं वैसे उर्दू टीचर तो नहीं हूँ लेकिन कोशिश की है मैंने, उम्मीद है कि पसंद आएगी सबको। नज़्म का उनवान है जो निभा के चले गए, जो निभा के चले गए उन्हें भूल जा, जो निभा के चले गए उन्हें भूल जा, उन्हें याद रख जो तेरे साथ है, यही दस्तूरे ज़माना है यही रीतो रवाज, यही दस्तूरे ज़माना है यही रीतो रवाज। वो लोग बा कमाल थे बा सलाहियत बेहिसाब, वो लोग बा कमाल थे बा सलाहियत बेहिसाब थे, उनके सुखन से बेबाक थे सफ़ेद और शाहजाब। बाखुदा हम भूले थे बाखुदा हम भूले थे, कभी जो हो अफसरदा कभी वो दिल पशेमा, कभी जो हूँ अफसरदा कभी वो दिल पशेमा, तो याद करते हैं उनको चल देते हैं मंजिल की जानिब। बाखुदा हम भूले थे वो हमें याद है वो आज भी हमारे साथ हैं जो निभा के चले। सारे हमारे साथ गवर्नमेंट बड़ा बच्चा इंचार्ज एडमिनिस्टर बहुत ढूंढा हल था, तो इनसे पूछेंगे कि आज इनके स्कूल को आई का दर्जा भी दे दिया गया है, इनके लिए रोड का ऐलान भी कर दिया गया है, उनसे पूछेंगे कि आपने माशाल्लाह इंचार्ज के वक्त में इतना अच्छा प्रोग्राम कैसे तरतीब दिया,
और स्कूल को आई का दर्जा मिलने के बाद आप क्या महसूस कर रही हैं, तो इस वाले से इनसे बात की मतलब आप इस वाले से बताएँ। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, तो शुक्र है उस पाक ज़ात का जिसने इतनी बड़ी कामयाबी से इम्तिहान किया मुझे, और इसमें सबसे पहले मेरे वालदैन की दुआएं, मेरे बच्चों, मेरे असाजा, मेरी अपनी काविश और मेरे डिप्टी डीओ एओस की काविशें शामिल हैं। सब हम एक इस इदारे को एक टीम की तरह लेके चलते हैं और सब ने मिलजुल के काम किया है। जब मैं आई स्कूल में तो मैं अब आपको बताऊँ लाइट का इशू था, लाइट तक नहीं थी, वो मैंने आने के बाद लगवाई है। और इसी तरह जो भी इस इदारे को मिलता है टीचर, जो शुक्र है अल्लाह का इतना मुखलिस है कि काम बहुत अच्छा करता है, जिस तरह गाइड करती हूँ उसी तरीके से, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा स्कूल भी अब अपग्रेड हो गया, रास्ता भी हो गया है, और इंशाल्लाह आगे भी मजीद स्कूल है बच्चों की इसी तरह। सदाकत साहब से उन्होंने कह दिया है कि ये मुझे ज़मीन दे, मैं रोड स्कूल तक रोड बना देता हूँ, हाई स्कूल भी बन गया है, कि मेरे ख्याल में ये इस इलाके के लिए बहुत बड़ा काम है, इलाके के लिए और ख़ासकर बच्चियों के लिए। हमने कोई ऐसा स्कूल मुझे किसी ने नहीं बताया, वरना हमारे पास डैंजर्स बिल्डिंग में फंड भी है, मौजूद है हमारे पास, जो भी हेड हमें लिखता है डैंजर्स, क्योंकि डैंजर्स जो है वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट करता है, किसी और को डैंजर्स डिक्लेयर करने की इजाज़त नहीं है। बिल्डिंग डिपार्टमेंट अगर डिक्लेयर कर देता है कि ये डेंजरस बिल्डिंग है, तो हम उसे एक पहले तो हम उसे लॉक कर देते हैं, क्योंकि वहाँ बच्चे रह जाएँ, फिर उसके बाद उसके बदले उस जगह पे हम दोबारा कमरे भी बना देते हैं। अगर कोई ऐसी आपके नोटिस में है तो मुझे बताएं, इंशाल्लाह हम उसको भी हम रिकंस्ट्रक्ट करा देते हैं। कुछ अच्छा दूसरा स्कूल मतलब स्कूल ऐसे जिन्होंने टीचर नहीं ट्रांसफर हो चुके हैं, उसमें बदले कुछ टीचर आई हैं कोई, इसी वजह से तदरीसी निज़ाम मुतासर हो गया। वो भी ऐसे है क्योंकि ये अब से सिस्टम है, ये ऑनलाइन होता है, इस पे मेरा कंट्रोल नहीं है, उसकी वजह है कि ऑनलाइन सिस्टम होता है, तमाम टीचर्स के अपने मोबाइल पे ट्रांसफ़र होता है, जब ट्रांसफ़र खुलते हैं वो टीचर अपने मोबाइल से अप्लाई करती है, उसके मोबाइल से ही ऑर्डर जनरेट होते हैं, वो जाने और सिर्फ मेरा काम ये होता है कि उसके ऑर्डर पे साइन करना, उसकी तनख्वाह बरामद कराने के लिए। और अगर ये भी ऐसा कोई स्कूल है आपके नोटिस में, आप मेरे भाई हैं, आप मुझे बताएं, मैंने जो पहले कहा मेरी आँखें हैं, आप मुझे बताएं, मैं पूरे 24 घंटे मेरा मोबाइल ऑन होता है, मैं हर कॉल सुनता हूँ, आप किसी वक्त मुझे कॉल करें, एक मुझे लिस्ट दें, भाई ये टीचर कम है, टीचर प्रोवाइड करूँगा आर्जी तौर पे, करें मैं कुछ स्कूल देखते हूँ जहाँ पे बच्चे कम हैं, साजा ज़्यादा हैं, आर्जी तौर पर हम जहाँ पर ज़्यादा बच्चे हैं हम कर लेंगे, आप मुझे बताएं। ऐसे स्कूल नहीं है जहाँ पे मुख्यमंत्री टीचर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, मास्टर नहीं है, सीनियर टीचर जो है वो पूरी कर रहे हैं। ये भी भाईजान ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रमोशन सेक्रेटरी है लाहौर की होती है, क्योंकि हाई स्कूल में 17, 18, 19, 20 की पोस्ट है, मेरी मैं प्रमोशन जो करता हूँ 16 का, ऊपर ये सेक्टर साफ करते हैं, इस वजह से ये प्रमोशन की जब मेरे घर में अब 17 वाली भी प्रमोशन हो चुकी है, 18 वाली भी और 19 वाली भी प्रमोशन हो चुकी है, मेरे ख्याल में महीने के बाद अगर पिंडी के टीचर हैं तो वो जो है ना इंशाअल्लाह यहाँ पे तैनात होंगे। मैं आपको एक और बात बताऊँ, यहाँ पे 80% स्कूल ऐसे हैं जो विदाउट हेड चल रहे हैं, उनकी वजह ये है कि प्रमोशन जो जितना टीचरों की प्रमोशन होगी तो उधर रहेंगे, बैर के तो टीचर हेड नहीं आते ना, बैर के हेड नहीं आते, इंशाअल्लाह गवर्नमेंट एक रूल होता है प्रमोशन का, प्रमोशन आहिस्ता आहिस्ता प्रमोशन हो रही है, इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये स्कूल भी कवर हो जाए। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मैं जो यहाँ के डिप्टी डी ओज हैं, हमारी डी ओ साहब हैं, डिप्टी डी ओ मेल हैं, फीमेल हैं, इन्होंने और हेड हैं जो इस स्कूल की, मैं तो तसव्वुर नहीं कर सकता था कि इतना अच्छा प्रोग्राम और इतना दूर अफ्तादा इलाके में, और ये मेरे ख्याल में मेरी बच्चियों की असाजा की पाकिस्तान से मोहब्बत का लगन का ये बहुत बड़ा सबूत है।